हेलो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरे पास ये कार मारुति सुजुकी अल्ट्रो 800 है, 800 सीसी का कार है ये। और आज मैं इसका ड्राइविंग रिव्यू आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी ओवर स्पीड में उसका ब्रेकिंग कैसा रहता है। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई ये 800 कार का ओवर स्पीड में ब्रेकिंग कैसा रहता है, ये देखाओ वो देखाओ, ऐसा कुछ कमेंट आते रहता है। तो आज का वीडियो में हम ऐसे ही बताऊंगा कि उसका ओवर स्पीड में कितना स्पीड में हम लोग हार्ड ब्रेक लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, या डेंजर हो सकता है कितना स्पीड में लगाने से, वही बात करूंगा। तो फिलहाल तो ये गाड़ी 60 का आसपास में स्पीड है, मैं नॉर्मली जा रहा हूँ। तो आप ये भाई साहब कहाँ से सामने में आ गया यार, जो भी हो अब हम लोग ओवर स्पीड करके देखूँगा इसको, तो ट्राई करता है। चलो 80 में पहली बार करके देखूंगा, नहीं 80 में ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ब्रेकिंग उतना खास नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि लास्ट में स्किड कर दे रहा है। लास्ट पेंडे जो लगता है गाड़ी रुकते रुकते मतलब स्किड कर जाता है। बस फिर से एक बार ट्राई करूंगा, सामने बाईपास से बाईपास क्रॉस करके करूंगा। चलो फिर भी एक बार ट्राई ले लेता हूँ 60 का ऊपर में। नहीं, उतना खास नहीं लग रहा है, एस्प्रेसो से कम है, क्योंकि एस्प्रेसो में ब्रेकिंग उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेकिंग एकदम ताटना से, वैसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। अगर कोई बिगिनर ड्राइवर है तो उसके लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्रेक लगता है पर डबल पेडल पर लगता है, सिंगल पेडल पे अपने पूरा फुल लगता है, क्योंकि ABS का कारण उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है नया ड्राइवरों को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि न्यू जो ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर भाई लोग बन रहे हैं, इन लोग इसमें ओवर स्पीड में ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक ना लगाए, नहीं तो गाड़ी कंट्रोल कर नहीं पाएगा, गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो आराम से इसमें ब्रेक लगाने का, देखो देखो यार क्या क्या करते रहता है ये सब आदमी लोग ना। चलो आप फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ये सब ब्रांच रोड है यार, इसमें कुछ कर नहीं सकता है। कभी गाय बकरा आ जाता है, कभी आदमी आ जाता है, इधर का गाय बकरा से आदमी ज्यादा ये, देखो देखो ये चाचा को देखो, आप में इसका ब्रेक टेस्ट करूंगा कैसा रहता है। चलो देख लेता हूँ मेरे पीछे कोई है कि नहीं, एक ऑटो वाला है बट वो आने का पहले मेरा गाड़ी रेस कर लूँगा फिर से। नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखा दिया यार, अच्छा है ब्रेक का परफॉर्मेंस, अच्छा ही दिखाया है। बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, ड्राइवर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रेक लगाने पर। अगर नया कोई ड्राइवर होगा तो अभी जो मैंने ब्रेक लगाया था उसमें ही गाड़ी स्किड कर जाता, क्योंकि ध्यान से लगाने का है। ये गाड़ी में सामने में डिस्क है, पीछे ड्रम है, तो इसमें इतना ख़ास ब्रेकिंग नहीं होता है। ये अपना ड्राइवर का ऊपर में ब्रेक लगाने का तरीका का ऊपर में होता है, डिपेंड करता है कि कैसा ब्रेक लगा रहा है उसका ऊपर में डिपेंड करता है। जो भी हो ध्यान से ब्रेक लगाने का है, जो भी भाई लोग 800 यूज़ कर रहा है, मारुति का बेस्ट वेरिएंट कार है ये, मारुति का सड़कों का ऊपर में राज कर रहा है ये कार।